मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हम कल्याण पाठक और आपको बता दें कि ये दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है वो इस तरह से जाम करके रखा गया था। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से दिखाएं किस तरह से ये पूरा रोड जाम करके रखा गया था। जबरदस्ती यहाँ पर जो है बड़ी गाड़ियों को रोक कर रखा गया था। काफी देर तक यहाँ से रुका गया था। ये पलावा जाने वाला जो रास्ता है यहाँ पर देखेंगे कि उतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सीन फाटा से कल्याण फाटा जाने तक आप आएंगे मुमरा सीन फाटा से लेकर कल्याण फाटा तक बड़ी गाड़ियों की इसी तरह से जाम लगी हुई है। पूरा सीन फाटा कल्याण फाटा पूरा जाम लगा हुआ है। बड़ी गाड़ियां जो है यहाँ पर रोका जा रहा है और बड़ी गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको बताइए कि कल्याण फाटा से जो दूसरी मुमरा की तरफ जाने वाला रास्ता है वहां भी जो है तरफ आने के लिए और कल्याण फाटा को जाने के लिए दोनों तरफ के रास्ते पर बड़ी गाड़ियां जो है उनको रोका जा रहा है। आप देखेंगे कि अभी जब हम यहां पर रिपोर्टिंग करना चालू किए उसके बाद यहां पर ट्रैफिक जो कॉन्स्टेबल है वो दोनों तरफ की गाड़ियां जो है छोड़ रहे हैं आगे की तरफ जाने के लिए। अभी जो है रोका जा रहा है आगे। क्यों रोक रहे हैं आप लोग बड़ी गाड़ियों को? एक एक घंटे से लोग फंसे हुए हैं वहां पर शील फाटा तक। क्यों रोक रहे हैं आप? इस तरफ की गाड़ियां पूरी खाली है, कल्याण फाटा से शील फाटा जाने के लिए जो रास्ता है पूरा बड़ी गाड़ियों को रोक रहे हैं। छोटी गाड़ी वाले भी उसमें परेशान है। बड़ी गाड़ी नहीं जा रहा है आइए आगे ब्रिज का काम चालू है। गाड़ी आगे ब्रिज का काम चालू है लेकिन आपको समय देना चाहिए ना। आधा आधा घंटा एक एक घंटा बड़ी गाड़ियों को रोक के 15-15 गाड़ी छोड़ रहे। 15-15 गाड़ी पूरा जाम हो गया है। देखो देखो आप आगे गाड़ी आइए दिखाइए आइए देखो आइए गाड़ी आगे जा ही नहीं रही। देखो यहाँ से जो मापे की तरफ से जाने वाला जो रास्ता है यहाँ पर यहाँ से गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, यहाँ से जा रही है। लेकिन जो शूल फाटा की तरफ से कल्याण फाटा की तरफ आने वाली गाड़ियां हैं, कल्याण फाटा से जो आने वाली गाड़ियों उनको 15-15, 20-20 मिनट तक रोक के रखा जा रहा है। क्यों बंद करें? क्यों बंद करें? कौन सी बड़ी गाड़ियां दिखाइए। यहाँ से सब गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। ये देखिए सब गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। चार चार पांच पांच यहाँ पर ट्रैफिक हवलदार है। चार चार पांच पांच गाड़ियां इन लोगों को यहाँ से जो हवलदार खड़े हैं और बड़ी यहाँ से छोटी गाड़ियां जो कार वाले हैं बाइक वाले उनको जाने दे, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां देखेंगे रोक के रखा जा रहा है। आधा आधा घंटा 20-20 मिनट एक एक घंटा यहाँ से रोका जा रहा है। बड़ी गाड़ियां इधर देखो पूरा जाम लगा हुआ है। ये लोग छोड़ते नहीं है जल्दी गाड़ियां। जो पलावा के तरफ जाने वाला रास्ता है और जो मापे रोड की तरफ जाने वाला रास्ता है इन गाड़ियों को जो कार से वीआईपी लोग जाते हैं उनको बराबर से छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां और यहां से जा रहे जो मुंद्रा कौसा शील फाटा से आने जाने वाले लोग हैं उन वो गाड़ियों को यहाँ पर रोक कर रखा जा रहा है। कितने देर तक गाड़ियों को रोकते हैं इस तरफ? रोकते नहीं, गाड़ी के पास जाम हुआ है पूरा इधर। ये जाम क्यों हो रहा है? आप लोग यहाँ से आधा आधा घंटा इन गाड़ियों को रोक के रखते हैं तो जाम ही होगा ना। कोई रोकते नहीं उनको। ट्रैफिक जाम इधर क्यों नहीं जाम है? ये साहब हमारे साथ बड़े साहब अंदर है उनको पूछो जाके। बड़े साहब नहीं आप लोग हैंडल कर रहे हैं। बड़े साहब आकर नहीं रोक पूछो आप उधर जाके। बड़े साहब आकर नहीं रोकते। चारों लाइन हमें हैंडल करना पड़ता है। चारों लाइन हैंडल करना पड़ता तो इधर यहाँ पांच पांच मिनट में छोड़ दे रहे हैं। यहाँ की गाड़ियाँ आधा आधा घंटा जो एक एक घंटा रोक के रख रहे हैं आप लोग। तीन फोटो से आने में एक एक घंटा लग जा रहा है यहाँ। हम हमारा काम मर्जी का काम नहीं करते इधर। हम हमारा मर्जी का काम नहीं करते। चारों लाइन हैंडल करना पड़ता है। लाइन छोड़ रहे हैं हम आगे आगे लाइन बढ़ेगा ना उससे सोचेंगे ना। लेकिन दो बातें साहब आपकी कितनी गाड़ियां जाम है आधा आधा घंटा एक एक घंटा जो लोग है ना वो शिकायत करते हैं वो हमको बताते हैं कितना इतना देर तक रोक के जा रहे हैं। थोड़ा रात में है ना उधर भिवंडी में एक्सीडेंट हुआ था ना रात का भी जाम है और दिन में भी तो इतना कवर कर रहे हैं उसका हो नहीं रहा है इतना। लेकिन गाड़ी ना आप देखिए ना कल्याण फाटा से लेके सील फाटा तक पूरा जाम लगा है। पत्रा बाहर है पूरा तो गाड़ी कोई लेन चलता है उधर यहाँ 35 मिनट तक ट्रैफिक में फंसे थे। एक ही जगह पे खड़े हैं लाइन तो चल एक ही जगह पे खड़े हैं बस चार कदम चलते हैं। छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। आगे लाइन चलेगा तो पूरा छोड़ देंगे ना। सर यहाँ पर इस तरफ की ट्रैफिक जो है छोड़ी जा रही है नहीं छोड़ी जा रही इधर की छोड़ी जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ हाँ वही पूछ रहे हैं हम लोग। अरे यार
नहीं नहीं वो बात नहीं है, 35 मिनट तक, 35 मिनट में वहाँ पर फंसा रहा, 35 मिनट सीट फाटा से आने में 35 मिनट लग जाता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इधर हर जगह ट्रैफिक। लेकिन अब आज की बात नहीं है, लोगों का शिकायत है कि ये जो वहाँ पे से आते हैं लोग और पलावा की तरफ जाते हैं ये पूरा खाली रहता है, जाने देते हैं सीट फाटा से कल्याण फाटा दोनों तरफ की बड़ी गाड़ियाँ रोका जाता है, उसमें कार वाले बाइक वाले फैमिली के साथ लोग परेशान रहते हैं। अभी देखो, अभी देखो, ये देखो, ये देखो पापा की लाइन कहाँ गई है, देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो पापा की लाइन ठीक है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये बंद करो, मैं तुमसे बात करूँगा, देखो लोगों ट्रैफिक छूट जाती है, लेकिन जो शहर के लोग हैं देखेंगे और यहाँ पर आधा आधा घंटा से लोग इसमें फंसे हुए हैं, मैं खुद इसमें करीब 30 से 35 मिनट तक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, और जो यहाँ से रास्ता बड़ी गाड़ियाँ आती है बाईपास से वाई जंक्शन से शील फाटा की तरफ, कल्याण फाटा से जो शील फाटा की तरफ बाईपास से थाने जाने वाली गाड़ियाँ हैं, ये जो है यहाँ पर रोक कर रखा जाता है, काफी देर तक रोका रखा जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, करीब 35 मिनट 30 मिनट, और मैं खुद आज इसमें फंसा था, करीब 30-35 मिनट ट्रैफिक में फंसा था, मुझे बाय घर जाना था, लेकिन देखेंगे कि पूरा जाम लगता है, और जब हमने इसका जो है न्यूज बनाना शुरू किया उसके बाद ट्रैफिक कॉन्स्टेबल जो हरकत में दोनों तरफ की जो है गाड़ियां वो छोड़ दिए है, हालांकि ट्रैफिक जो है अब यहां पर देखेंगे कि नियंत्रण में, लेकिन अब आगे की तरफ जो है वो पूरा धीरे धीरे जाम लगते हुए जा रहा है। इसी तरह से जो है ट्रैफिक कर्मचारियों की भी बताई जा रही कमी, लेकिन किस तरह से ये आज ट्रैफिक जाम है, ऐसा 2-3 दिन से लगातार ये मामला चल रहा है, पहले भी ऐसी कई बार जो है जानकारी सामने आई कि ट्रैफिक किस तरह से यहाँ पर जो पलावा की तरफ जाने वाला रास्ता है उसे 1-2 मिनट में रास्ता वो आधा घंटा 35 मिनट इस तरह से धीरे से रोक कर रखा जाता है। आवाज नहीं आई बराबर मारे सुने।